जींस मैन्युफैक्चरिंग का हब पूरा उल्लासनगर में फैला हुआ है। जैसा आप जानते हैं तो आज आपको मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट है मेरा जींस का मुंडे का, वो आपको लेके आया हूँ। जींस मुंडे में कौन कौन सी मशीन है मेरे पास, मुंडे का जींस बनता कैसा है, आज पूरी मशीन आपको दिखा रहा हूँ कि मुंडा मशीन में कौन कौन सी मशीनरी लगती है। यह है जींस का कारखाना जहाँ जींस बनती है, कच्चे रोल्स आते हैं, जो कपड़ा है वो कच्चा कपड़ा यहाँ पे आता है। उसके बाद जींस का प्रोसेस पूरा दिखाऊंगा, कौन कौन सी मशीनों से होकर गुजरता है और कौन कौन से मशीनों से बनता है और कैसे बनता है। ये तो आपको वीडियो में पहले भी दिखाया हूँ कि जींस बनते कैसे हैं, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ कि उनकी मशीनें कौन कौन सी हैं और जींस कौन कौन मशीनों से गुजरता है, एक जींस बनाने में कितनी लोगों का हाथ होता है, कितने कारीगर लगते हैं, तो आज ये पूरा डिटेल देखेंगे। और ये यूनिट जो है लगभग 10 सालों से है, 10 सालों से ये यूनिट चल रहा है। 2011 में मैं ये यूनिट डाला था, ये यूनिट लगाया था जींस का। और तो आज उल्लासनगर में जो जींस बन रहे हैं वो तो लगभग 3 भागों में बटा हुआ है। जो पहला चालू जींस बोला जाता है, सेकंड है हाफ मुंडा, और थर्ड पर्सन है जो उच्च क्वालिटी का बनता है जींस, वो है फुल मुंडा। तो आज आपको जो मेरा यूनिट है वो फुल मुंडे का है, आपको फुल मुंडे का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, कौन कौन मशीनों से गुजरता है और कौन कौन मशीनों से बनता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका शुरुआत कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है। आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, कैसे बनता है। ये रोल्स है कपड़े के जिनसे जींस रेडी होता है, पहले भी वीडियो में आप लोगों को दिखाया है मैं। ये रोल्स है, ये टेबल है जो सबसे पहले होता है, ये रोल खोलने का स्टैंड है, आपको फ्रंट कैमरा में लेके आता हूँ मैं। ये रोल खोलने का स्टैंड है, जैसा देख सकते हैं रोल खोलने के काम में आता है। इस पर जो रोल्स होते हैं, ये जो रोल्स हैं, ये रोल इसमें लगाए जाते हैं, उसके बाद फिर खोलने के लिए आसान होता है। मेरा लग रहा है जैसा लेयर लगता है। सबसे पहला प्रोसेस है जींस कटिंग का, जो लेयर लगता है, उसके बाद लेयर लगने के बाद कटिंग होता है। ये ऐसे इसके पॉकेट करते हैं, और ये देखिए खर्चा पूरा रखा हुआ है, ये बैक फ्रंट का खर्चा है। ये ऐसा बैक ऑफ फ्रंट है जो कटे हुए माल हैं, ये उसके खर्चे हैं, पॉकेट, जाती, बेल्ट, ये सब देखिए पूरा कटिंग होके माल रखा हुआ है। ये उसके बाद ये जाता है कारीगरों के पास, जो कारीगर सिलाई करते हैं झुक्की मशीनों पे, वो जाता है उन लोगों के पास। आइए देखते हैं उनमें सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, कौन सी माल जींस कारीगरों के पास कटके आया। जो पहली मशीन लगती है ये वॉल लॉक की है, वॉल लॉक का मशीन देखेंगे तो ये जैक का मशीन है जिससे खाली वॉल लॉक ही होता है। मैं वॉल लॉक करके भी आपको एक पीस दिखाता हूँ। ये हाला पट्टी है फ्रेंड का, ये देखिए ये वॉल लॉक होता है, इसमें डबल प्लाई, सिंगल प्लाई और जाती है। उसके बाद ये है जाती मशीन, जो कारीगर क्वाइन पॉकेट लगा लेता है। ये देखिए क्वाइन पॉकेट लगाने के बाद
ये मशीन पे आती है जो कि कंसाई का मशीन है, कंसाई स्पेशल का। इसका आपको दिखाता हूँ कौन सा मॉडल नंबर है मशीन का। ये मॉडल है WX88421 फर्स्ट, कंसाई स्पेशल का जाति मशीन है। इसमें जो थ्रेड है वो थ्रेड तीन इधर नीचे लगते हैं और दो ऊपर लगे हुए हैं, मतलब पांच थ्रेड का मशीन है। ये मशीन का प्लस पॉइंट क्या है, ये देखिए इसका जो वाल लॉक और स्टिचिंग दोनों साथ साथ आता है। इसमें एक खास बात है, नीचे स्टिचिंग भी आता है और वाल लॉक भी एक साथ होता है, जिसे कारीगर अपना बना के और जाति लगा सकता है। एक कारीगर का जो हेल्पर का जो काम है वो बचता है। जो चैन सिलाई है इसमें चैन सिलाई पूरा दिखता है। ये है सेकंड। ये दो मशीनों होने के बाद फिर से कारीगर के पास जाएंगे जुक्की में, जो कारीगर बैक और फ्रंट बनाता है। कारीगर को देखेंगे कि वो बैक फ्रंट बनने के बाद फिर वो कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हम कारीगरों के पास चल रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, दिखाते हैं सबसे पहले कारीगरों को। जुक्की मशीन है जो धागा ऊपर लगता है वही धागा नीचे भी लगता है सेम कलर का। ये देखिए बैग बन रहा है, जो जींस का बैग होता है ये बैग बन रहा है। ये देखिए बैग बनता है। यह है बैग पॉकेट। उल्लासनगर में जो स्टिचिंग होती है जींस की सिलाई होती है बैक फ्रंट की, वो एक ही कारीगर पूरा बैग भी बनाता है फ्रंट भी बनाता है। बाहर कंपनियों में कैसा होता है कि जो चैन सिलाई है वो हर एक कारीगर अलग अलग काम करता है, लेकिन जो उल्लासनगर का सिस्टम है यहाँ एक ही कारीगर को पूरा पीस रेडी करना होता है। घुमा रहा है, देखिए आगे देखते हो। ये अपना फ्रंट है, फ्रंट का जो पॉकेट है, फ्रंट का जो फ्रंट पॉकेट है वो बना रहा है, उसमें का स्टिचिंग बना रहा है। जाति तो आप समझ गए होंगे, जाति क्या है। फ्रंट का पॉकेट जो हाला पट्टी है, ऐसा हर कारीगर जो अपना अपना बैक फ्रंट है वो बनाते हैं। पहली मशीन इंटरलॉक, सेकंड मशीन जाति मशीन, उसके बाद जुक्की का नंबर आता है। जो चौथा मशीन है वो फाइव थ्रेड है, फाइव थ्रेड और बेल्ट और मुंडा, ये तीन मशीनों से जींस अपना फिर से गुजरता है। तो अभी हम आ रहे हैं जो कारीगर बैक फ्रंट बना के ऐसा बैक फ्रंट रखते हैं बांध के साइज बाय साइज। उसके बाद फिर आता है ये है मुंडे की मशीन जो अपना योग और दोनों बैक और फिर साइड जो है जोड़ती है। ये देखिए मुंडा,
तो अपने को जो चौथी मशीन की ज़रूरत है ये मुंडा मशीन है। मुंडा मशीन ये देखिए एक बिन कूलर का होता है और जो दूसरी मशीन है वो मुंडा, ये देखिए ये कूलर वाला मुंडा है। मुंडे जो दो प्रकार के मुंडे आते हैं, कूलर वाला होता है और बगैर कूलर वाला होता है। तो दोनों मशीन चलता है मुंडे पे, लेकिन एक्चुअली अभी थोड़ा काम कर... चार मशीनों का प्रोसेस आपने देख लिया है और जो पांचवा मशीन है ये देखिए फाइव थ्रेड है। फाइव थ्रेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें पांच धागे लगते हैं। ये फाइव थ्रेड है, देखिए इनमें के धागे ऊपर, तीन ऊपर और दो नीचे लगते हैं, मतलब ये फाइव थ्रेड है। ये पांचवा मशीन जो मुंडे के में, ये पांचवा मशीन है जो मुंडे की सिलाई में लगता है। उसके बाद छठा मशीन ये है बेल्ट मशीन, जो पीस रेडी होने की, जो पीस रेडी होने का लास्ट मशीन है, इससे बेल्ट चढ़ता है। बेल्ट जानते ही होंगे आप, बेल्ट मशीन कंसाई है, कहीं कंसाई स्पेशल मशीन है, बेल्ट की कंसाई स्पेशल मशीन है, देख सकते हैं इसका ब्रांड। और बेल्ट कैसे चढ़ता है, ये देखिए बेल्ट, बेल्ट मशीन में जो धागे लगते हैं तीन ऊपर और तीन नीचे, सेम धागा मैचिंग धागा, ये देखिए बेल्ट, बेल्ट लगने के बाद पीस पूरी हो गई है। अब इसका जो है जो बचा है लास्ट काम, और दो चीज़ जो कि मशीनों से ही होता है, तो आपको दिखा रहा हूँ बेल्ट लॉकिंग। वीडियो और शॉर्ट्स में भी आपने देखा होगा बेल्ट का लॉकिंग और बॉटम कैसे मारा जाता है। तो बेल्ट और बेल्ट लॉकिंग और बॉटम ये कारीगरों के पास लास्ट आता है, जो जींस पूरी हो जाती है। ये झुकी मशीन है, देखिए जो बेल्ट लॉकिंग हो रहा है, ये लास्ट प्रोसेस है जींस का। जैसा आपने देखा कि जो जींस अपना रेडी हुआ बनकर, वो छह मशीनों से गुजरा। लास्ट मशीन आती है दो मशीन, जिसमें एक बाल्टेक और एक काज। काज बाल्टेक होने के बाद जींस अपना लगभग पूरा हो गया। और काज बाल्टेक में जो मशीन है वो भी दो है, तो छह और दो आठ मशीन में जींस पूरा रेडी हुआ। और इसमें जो पर्सन का काम हुआ वो 8% ने मिल के जींस एक रेडी किया। आठ मशीन और 8% एक जींस बनाने में लगते हैं, और एक जींस के प्रोसेस में उसके बाद जो उसका डाइंग होता है, कलर होता है, पैकिंग होता है, ये है बाल्टेक की मशीन जिसमें लुप्पी लगती है। ये देखिए जो लुप्पी लगती है, और जो लॉक होता है पॉइंट पॉकेट, और ये बैक पॉकेट जो लॉक होता है वो ये मशीन का है, जुकी का। और उसके बाद ये लास्ट 299 सिंगर काज का मशीन। इसके बाद जींस पूरा रेडी है वॉशिंग के लिए।
ऐसे एक एक बंडल बनते हैं 60 पीस 70 पीस के, ऐसे एक एक बंडल बनते हैं जो एक एक कलर का प्रोसेस है। जैसा आपने देखा 6 से 8 मशीनों में अपना जींस पूरा रेडी होता है। रेडी होने पर जींस रेडी होने के बाद ऐसा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वाशिंग के लिए रेडी है, सब कच्चे हैं, इसके बाद वाशिंग होएगा। जींस का वाशिंग कैसा होता है, वाशिंग के बाद फिर पैकिंग होता है। और इसमें पहले ही मेरे चैनल पे 2 वीडियो बना हुआ है कि इसका वाशिंग कैसा होता है, जींस का वाशिंग कैसा होता है, ये वीडियो पे पूरा बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। पैकिंग कैसा होता है, पैकिंग का प्रोसेस क्या है, ये भी वीडियो बना हुआ है चैनल पे। मेरे अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं, मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो मेरे चैनल पे आप देखे होंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। तो देखा आपने, देखा मैन्युफैक्चरिंग जींस जो होता है कैसे होता है। और ये मेरा यूनिट था जींस मैन्युफैक्चरिंग का, एक्चुअली ये जॉब वर्क है। और ऐसा ही जींस से रिलेटेड जो भी वीडियो, ऐसी ही जींस से रिलेटेड मेरी कुछ ना कुछ वीडियो आती रहती है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।